हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा बहुत ही सुंदर मैरिज पेंटिंग बना के। और ये सुविहार जो लिखा हूँ बिना छपे हुए दीवार में ईंट पर आप कैसे लिख सकते हैं, इसका मैं वीडियो बना के डाल चुका हूँ। दोस्तों, अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो देखिए। ये जो दिल डिजाइन बनाया था उसका भी मैंने वीडियो बनाया है, उसका भी मैंने वीडियो यूट्यूब में अपलोड किया है दोस्तों। और ये वाला डिजाइन मैं आज आप लोगों को बना के पूरा स्टेप बाय स्टेप दिखाऊँगा दोस्तों। तो वीडियो पर बने रहे दोस्तों, क्योंकि मैं इसको शुरू में पहले मौत स्प्रे से इस पर कर रहा हूँ। और वीडियो पर इसलिए बने रहे दोस्तों, अगर आप पेंटिंग सीख रहे हैं और बिगनर हैं और आप इस तरह की अच्छी मैजिक पेंटिंग करना चाहते हैं तो वीडियो को इसकी बिल्कुल भी ना करें और वीडियो को पूरा देखें दोस्तों। आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन वीडियो को काट काट कर देखते हैं, या तो फिर थोड़ा सा देखते हैं और फिर वीडियो को कम्प्लीट नहीं देखते, तो आप समझ नहीं पाएंगे अगर आप पूरा डिटेल स्टेप बाई स्टेप वीडियो देखेंगे मैंने कहाँ पे मौत स्प्रे कैसे यूज़ किया है, कैसे मैं मौत स्प्रे कर रहा हूँ, कहाँ पे कौन सा कलर कर रहा हूँ, ये आप पूरा देखें तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे अगर आप पेंटिंग सीख रहे हैं और सीखना चाह रहे हैं तो। तो इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों कि आप वीडियो को कंटिन्यू पूरा वॉच करें, और अगर आपको पेंटिंग अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएँ। और आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आप लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा तो क्या है, आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तो उसका नोटिफिकेशन जाएगा जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा, तो सबसे पहले आप उसे देख सकते हैं। और सीखना चाह रहे हैं और सीख रहे हैं तो वो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर आप सादी पेंटिंग करना चाहते हैं, सादी पेंटिंग के अलावा दोस्तों मैंने इस वीडियो पर यूट्यूब पर बहुत सारे मेरी पेंटिंग के अलावा ट्रैक्टर ट्राली पेंटिंग, स्प्रे पेंटिंग के बारे में वीडियो डाला है, और राइटिंग के बारे में, और ब्रश का भी मैंने वीडियो डाला है दोस्तों। अगर आपको ब्रश का वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और लिंक को क्लिक करके देख सकते हैं। आप ब्रश कहाँ से ले, कैसे ले, सभी चीज़ का मैं डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ दोस्तों। तो वीडियो पर बने रहे दोस्तों। और जो मैं शुभ विवाह लिखा था शुरू में आपने देखा होगा, उसका भी मैंने वीडियो बनाया था, पहले बताया हूँ। तो आप ईंट की दीवार पर आपको कभी खुदन खास्ता लिखना पड़ जाए तो आप कैसे लिखेंगे, इसका मैंने वीडियो डाला है दोस्तों। तो वीडियो को उस वीडियो को भी जाके अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो देखिए, क्योंकि बहुत ही सुंदर सा मैंने लिखने का प्रयास किया है। उम्मीद है आप लोग वो वीडियो को देखेंगे तो ज़रूर पसंद करेंगे, और ये वीडियो अभी देख रहे हैं वो आपको अच्छा लगे, हम तक बने रहें तो लाइक एक बार जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। और पेंटिंग बनाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है जितना इस वीडियो को बना के एडिट करके डालना, काफ़ी मेहनत मशक्कत करके डालना पड़ता है दोस्तों आप ही लोगों के लिए। तो हो सके तो आप जितना सपोर्ट करना चाहे करें, क्योंकि आप लोग के लिए ही ये वीडियो मैं डाल रहा हूँ दोस्तों, तो सपोर्ट करना ना भूलें और वीडियो को कंटिन्यू देखें दोस्तों। और तो अगले वीडियो पर फिर से मिलेंगे दो दिन बाद शाम को, तो मेरे अगले वीडियो का इंतज़ार करें। शाम के 6 बजे मैं वीडियो अपलोड करता हूं दोस्तों, तो वीडियो पर बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। बाय बाय। Hope.